राम राम, जय श्री राम। बाबा सादगी चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। बैठे हैं कमल गुरु की शॉप में और कार्रवाई जारी है। आज निकला हूँ घर से एक पंथ अनेक काज के लिए। पहले चमखला आया हूँ, उसके बाद करला जाऊँगा। सब्जी लेनी है, ऑयल लेना है, साबुन लेना है, आयुर्वेद डिस्पेंसरी जाके दवाई भी लेनी है, और अभी एक वहाँ पे कार्यक्रम है उसको भी अटेंड करना है। राधे राधे। और पहुंच गए हैं मित्रों की दुकान पे। घिया ले लिया है, पापा टमाटर ले लिया है, हरी मिर्च का ठेक अभी पूरा खेत अपने पास है, और यहाँ से ले जाएंगे आलू। एक किलो कैसे हुआ? कौन आ गया? एक्सेक्ट एक किलो। और अब जाएंगे गुरुजी दुकान में, कुछ सामान यहाँ से भी लिया जाएगा। गुरु पैलाग, एक लीटर तिल का तेल, एक लीटर सरसों का तेल, 6 डिटॉल, और वॉशिंग पाउडर दे दीजिए 2 किलो। हाँ, सामान ले लिया है, अब बढ़ेंगे आगे। राधे राधे। तो अभी चलते हैं आयुर्वेद की दवाई लेने के लिए। दादा हैं, वो भी आए हुए हैं मार्केट में। अभी थोड़ा सा रौनक है। बुबू जी भी आए हुए हैं यहाँ दुकान लेने के लिए। राम राम बोला। आज मार्केट का भ्रमण है। नारदा राम राम, क्या बात है? आज भटभट भटभट नहीं हो रही है? अच्छा, थोड़ा अभी बार बार हो रहे हो आप? बस सब बढ़िया। और यहाँ से बढ़ेंगे आगे। गुरु पैलाग। कभी धूप हो रही है, कभी छांव हो रही है। और सोनू भाई ने बोला था कि बता देना सोनू डोन का माल है यहाँ पे, दे दीजिए फिर। तो अभी कुछ यहाँ फंक्शन भी है, उसके लिए भी आया हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। और सोनू भाई का मिल्क ले लिया है, पैसे वो खुद पेमेंट करेंगे। ये भी भुवन जनरल स्टोर के अंतर्गत आता है। अब चलेंगे आगे डिस्पेंसरी। और आजड़े मामी जी मिली हैं यहाँ पे, तो अभी जा रहे हैं डिस्पेंसरी। यहाँ तक पहुँच गए हैं, डिस्पेंसरी से आगे है। पहुँच गए हैं आयुष्मान भारत कोरेला आयुर्वेद हॉस्पिटल। पेशेंट्स के बैठने के लिए फूल लगाए हुए हैं। और आगे हैं डॉक्टर साहब के पास में, जो तकलीफ है बता दी है, तो अभी जो है दवाई लिखी जा रही है। बहुत अच्छा अरेंजमेंट है यहाँ पे, बड़ा हॉस्पिटल है। अभी यहाँ पर आया हूँ चांदी का ताबीज़ लेने के लिए, क्योंकि हाँ नज़र बहुत लग जाती है। किसी को मजाक लगेगा, लेकिन जो भुगता है वो मैं ही जानता हूँ। स्कूल की छुट्टी हो गई है, बच्चे चीची खा रहे हैं, हम जा रहे हैं केमिस्ट शॉप। और मित्र बहुत अच्छे हैं, ईमानदार हैं। मैंने कहा छोटी बोतल खरीद लें, बोला 40 रुपये की 50 ग्राम है। मैं कहा 2 और दे दो, बोला आपका मत्था फिर गया है। 120 रुपये में आप 150 ग्राम लेके जाओगे, इसे पावर की लेके जाओ। ये 120 रुपये की है, साथ में छोटा सा गिफ्ट भी है। हमने कहा मित्र धन्यवाद, यही दे दीजिए आप। तो ऐसे मित्र कहाँ मिलेंगे। राधे राधे। ये 140 का है जो उनके हाथ में है, वो छोटे हनीसा में जो है टर्मरिक मिला है, बादशाह मसाले एक के साथ एक। और चाचा जी ले रहे हैं आधा किलो। इसमें मिलेगी कौन सी, क्या मिलेगी मित्र इसमें? फ्री इसमें टी मिलेगा। टी आधा किलो? आधा किलो का नहीं, टी कितनी है? वही है वैदिक टी फ्री। तो ये वैदिक टी मिली है, इसका भी प्रचार हो जा रहा है फ्री डाबर के साथ में। तो आम के आम, गुठलियों के दाम। राधे राधे। मित्रों 3:12, पहले आपने देखा था यहाँ पर बहुत सारी लकड़ियाँ थी, लेकिन अब धीरे धीरे कम हो रही हैं। गांव में है आपसी सहयोग। सोनू भाई ने गांव की महिलाओं से निवेदन किया, कृपया लकड़ियाँ पहुँचा दीजिए, तो सब ने जो है पहुँचाई है। लेकिन बाबा साहब के घर में कोई भी महिला नहीं है, तो उस जो कमी है उसको दूर करने के लिए बाबा सादगी यहाँ पे आया है कि चलो जितना बाबा सादगी सहयोग कर सकता है उतना सहयोग करे।
तो आप उठाएंगे लकड़ियाँ, देखें 2, 3, 4 जो भी उठाई जाएंगी वो उठाई जाएंगी और पहुँचाई जाएंगी सोनू भाई के घर, एक बार नहीं 2 बार। तो एक बार आपको दिखाया जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि हाँ कार्य काम चालू आया है। तो शुरू करते हैं अपना कार्य। राधे राधे। अब हम को यहाँ से वहाँ को जाना है। अब हम यहाँ से लेके जाएंगे उधर को। अब हम यहाँ से लेके जाएंगे यहाँ को। यहाँ से मुड़ के यहाँ को जाएंगे। यहाँ से लेके जाएंगे इधर को जाएंगे रास्ते से। गांव के आखिरी छोर पे आ चुके हैं और यहाँ से आगे को बस इतना जाना है। अब हमको यहाँ से इधर को जाना है। अब यहाँ पर रखेंगे हम लकड़ी हैं सोनू भाई के घर। लकड़ियाँ यहाँ डंप की जा रही हैं, सोनू भाई ने छील भी रहे हैं और ये जो है गांव के आखिरी छोर पर है हमारे सोनू भाई। और सोनू भाई आ गए हमारे गांव के सिंगर, अभी बनाएंगे इनको लेबर। राधे राधे। मित्रों राम राम। सुबह का 7:20, 6 बजे उठ गया था और उठ के अपना जो है कुछ कर्म किए और सूर्यदेव से हम अभी दमक रहे थे लेकिन फिर बादलों में आ गए हैं। मिर्च बिछा दी गई है, चूल्हे को साफ कर दिया है, इसकी राख को जो है खेत में गेर दिया है, पानी गर्म करने के लिए लकड़ी तैयार है, पानी भर लिया है, ये 2 जार भरने हैं बर्तन मांजने के लिए, स्नान करना है और आराध्य के चरणों में बैठना है। उससे पहले सोनू भाई की जो है मदद करनी है क्योंकि उनकी जो छत रिपेयर होने वाली है तो लकड़ियाँ वो अभी तो अकेले ढो रहे हैं लेकिन नहाने से पहले 1-2 चक्कर मैं भी लगाऊंगा। राधे राधे। धन्यवाद। जय श्री राम। जय देवभूमि उत्तराखंड। भारत माता की जय। जय हिंद।